display sum of all counting number for a given range. Previous case when sum display kara tha from 1 to n. Is case when sum kiska display karana hai? From a to b, where a is a minimum range and b is a maximum range. Previous case में 1 क्या था minimum range और n क्या था maximum range. अगर आप use कर दो लाइक a equals to 1 and b equals to similar to n, then इसका meaning क्या almost same as previous case. Means इस case में logics exactly same है, only identify क्या करना है starting beginning point और end point. Means इस case में end point देखा जाए तो same है. Means n क्या था variable, b क्या variable. Means जो value n में assign कर रहे थे same value provide करें to the n. Only one के प्लेस पर क्या means previous case में starting point fixed था one, लेकिन इस case में starting point always change हुआ just because of ये. अगर a का value आपने 5 enter किया, b का value 10 enter किया, then इस case में sum किसका display कराना हुआ 5, 6, 7, 8, 9 these all numbers like that. इस case में only loops में changes होंगे, logics के regarding में same logics. First one providing variable declarations. Variables कितने required इस case में? Iterative variable i plus इसका जो भी sum आएगा sum को store करने के लिए use क्या करेंगे sum result variable with initial value 0. इसके लिए previous case में extra variable क्या था only n. इस case में क्या है a और n के place पर use करेंगे जब b, therefore a comma b. Variable declaration second step क्या है reading inputs from a keyboard using scanf. Scanf से जस्ट पहले message display करा लेंगे enter a comma b. scanf percent d इस केस में इनपुट्स कितने रीड करना है टू इनपुट्स, इसलिए टोटल फॉर्मेट स्पेसिफायर सप्लाई करेंगे टू टाइम्स percent d एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b. सिंपली लूप इस केस प्रीवियस केस में लूप कहां से स्टार्ट किया था फ्रॉम 1, लेकिन इस केस में 1 के प्लेस पर लूप कहां से स्टार्ट करना है a से, तो इसलिए i का इनिशियल वैल्यू क्या हुआ a, i का वैल्यू 1 है देन 1 से स्टार्ट होगा, i का वैल्यू 5 है देन 5 से स्टार्ट होगा, देन कब तक चलाना है अप टू n प्रीवियस केस, लेकिन करंट केस में कब तक चलाना है अप टू b, जब तक i का वैल्यू b से छोटा है. देन डिफरेंस अभी भी कितने का आएगा ऑलवेज 1 का. देन सम एवरी टाइम सम केस में स्टोर कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस i सेम एज प्रीवियस केस. देन फाइनली डिस्प्लेइंग प्रिंट टैब वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट और सम इज परसेंट डी वैल्यू ऑफ रिजल्ट कंप्लीटेड. मींस प्रीवियस केस में और करंट केस में डिफरेंस क्या है ओनली वन डिफरेंस. मींस आई के मींस प्रीवियस केस में डायरेक्टली वन असाइन किया था, लेकिन इस केस में ए का वैल्यू कीबोर्ड से रीड कराया देन डायनेमिकली सप्लाई करेंगे. सेम है प्रीवियस केस में बी के प्लेस पर अब करंट केस में यूज किया सिंपली, सॉरी प्रीवियस केस में क्या था एन बट इन दैट केस बी. बाकी रिमेनिंग थिंग्स लॉजिक्स कैसे होंगे एग्जैक्टली सेम लॉजिक्स.